Okay. हो गया गुड इवनिंग एवरीवान नमस्कार मेरे भाई सबको आज ये जी आइए 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 फटाफट आ जाओ बेटा आप सबका स्वागत है आपके इस वो कैब बैच में और आज की जो क्लास है माय डियर स्टूडेंट्स वो है हमारी क्लास नंबर फोर्टी सिक्स और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले वाली क्लास अगर नहीं देखी है ठीक है और आप जो वो फोर्टी सिक्स क्लास नंबर से शुरू कर रहे हैं तो उनको मैं एक बात बता दू कोई ऐसा नहीं है कि आपको अगर पहली फोर्टी फाइव क्लास नहीं देखी तो आज फोर्टी सिक्स वाली क्लास से समझ नहीं आएगा सर समझ आएगा वो कैब की खासियत होती है बेटा क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज से जुड़ेंगे इस वो कैब सेशन में इसकी खासियत होती है आप जहां से भी समझना चाहें ना आपको वहीं से वो कैब समझ आना स्टार्ट हो जाता है तो आपने यहां से समझना है तो आप वो कैब यहां से समझना जो है अपना स्टार्ट कर दीजिए और आपको मस्त समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी दूसरी चीज सर जो पिछली वो कैब है हमारी हम वो वहां कहां से कवर करते चले ठीक है उसको उसको कैसे कवर करना है? उसको आपको कवर करना करना है है आपको सैटरडे संडे या या जिस दिन जैसे हफ्ते में चार पांच क्लास हम की लेते हैं तो बाकी आपके पास तीन एक दिन बच गए तो बाकी तीन दिन जिस दिन वो कैब की क्लास नहीं होती है उस दिन आप जो है पुरानी क्लास को कवर करें आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको बैच वहां दिखाई देगा तो वहां से आप उसको कवर करें दूसरा आज जो हम करेंगे वही बेटा आज हम पूरा आधा जो है स्टेप करेंगे जैसे एक स्टेप में बुक में आपको दस वर्ड दिखाई देंगे दस सेट कहो तरीके से तो उनमें से आधा सेट पांच आज हम याद करेंगे ये जो आज मैं करा रहा हूं ये सेट नंबर फिफ्टीन का पेज नंबर भी शायद फिफ्टीन ही होगा लास्ट वर्ड है बेटा बेस्टियन जो वर्ड हम देखेंगे ये जो आज का वर्ड है हमारे पास ये वर्ड है ऐसा बेस्टियन ठीक है और ये नया बैच है जो आज से मैंने इसमें डेमो क्लास ली थी तो यहां के स्टूडेंट जो है आज वो जुड़ रहे होंगे और चीजों को समझ रहे होंगे ठीक है जो जुड़ रहे होंगे और ये समझ रहे होंगे ये प्रैक्टिस बैच है बेटा अब इसमें एडमिशन जो है वो बंद होने वाले हैं जिसको लेना है लास्ट चांस है फटाक से जाके ले लीजिएगा प्रैक्टिस बैच में एडमिशन फटाफट झटा झट -जट। चलो जी आइए भैया जी अब आपके लिए अगर कहानी को समझने करते हैं हम स्टार्ट तो हमारे पास आ गया जी पहला वर्ड है आज का और यहां से बेटा अब याद करना स्टार्ट करते हैं वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक करते चलना शेयर करते चलना और यहां से समझते हो चलना और सीपीओ के लिए अगर मैं एग्जाम की बात करूं बेटा एग्जाम आगे बढ़ गया है ए भैया एग्जाम आगे बढ़ गया है अब आपका एग्जाम जो है वो आगे बढ़ गया है तो अब बिल्कुल बेफिक्र रहे सीपीओ वाले भी और बी सीरियस बेटा अभी भी आपके पास मौका है और बढ़ चढ़ के मैं जो है अभी इंटरव्यूज भी ले रहा हूं अपलोड भी करूंगा सीपीओ का रिजल्ट भी आया बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आया रिजल्ट आते आपके साथ मैंने शेयर भी किया है और जितने भी आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स वो बहुत खुश हैं सिलेक्शन के बाद हर जगह है, ठीक है मैं जो है जयदीप सर का स्टूडेंट छाया हुआ है बहुत ही अच्छे टीचर है जयदीप सर बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं बच्चों को वो कैब भी दिलो जान से याद कराते हैं तो उनसे जुड़िए ठीक है वो भी आपका भी सिलेक्शन नक्की करेंगे और आगे पढ़ेंगे ठीक है भैया तो उनके लिए मैंने आपको अगर मैं दो सेकेंड बेटा और बस अपनी और हमारी ऐप की तारीफ कर लूँ दो मिनट और कर लू बेटा फिर पढ़ाऊंगा दो मिनट और तारीफ कर लूँ ऐप की दो मिनट और कर लू यार कभी कभी मौके आते हैं रिजल्ट आता है सो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने शेयर भी किए थे आपके पास रिजल्ट्स ठीक है बड़ी प्यारे प्यारे हमने अपने सिलेक्शन जो है दिखाए थे हर जगह स्टूडेंट छाए हुए हैं भैया आपको स्क्रीन डाले थे जैसे फोर्टी हमारा स्टूडेंट है बहुत बढ़िया आर्यन ठीक और ये रात को मैंने बारह बजकर बीस मिनट में भैया स्क्रीन शॉट शेयर किया फोर जी नेटवर्क में फिफ्टी नाइन परसेंटेज बैटरी थी <laughs> मैंने शेयर किया रिजल्ट तो से ये रिक्वेस्ट है कि जो है अगली बार इन फोटोज में आपको आना है और इंटरव्यूज भी अपलोड होने जितने भी स्टूडेंट डले इनके इंटरव्यूज भी अपलोड करूंगा ताकि आपको हौसला मिले ताकि आपको हौसला मिले पढ़ने का ठीक है हौसला मिले पढ़ने का और सभी स्टूडेंट्स ने कॉमन बात बोली दस घंटे की एवरेज सबकी है अगर कोई भी स्टूडेंट बोल रहा है बेटा दस घंटे से कम की सेल्फ स्टडी में उसका काम चल गया चार पांच छह घंटे में तो बेटा थोड़ थोड़ा थोड़ा बहुत कई बार बच्चा ऊपर नीचे बोल देता है ठीक है ठीक सा हवाबाजी में हो जाती है वो चीज सच नहीं होती तीन चार महीने में पेपर नहीं निकलते खून पसीना लगता है सर और जो ये बच्चे सिलेक्शन लेके आ रहे हैं वो कसम से बहुत मेहनत कर रहे हैं इंटरव्यूज में ठीक है आपको जो आके बताते हैं बेटा वो जितनी आसानी से बता रहे हैं उतनी आसान होती नहीं है कड़ संग, कड़ी संघर्ष होते हैं उसके पीछे जो बच्चे कहते हैं सर मैं दस दस घंटे पढ़ा और ये चीजें कहना अभी बता रहे काम खत्म अब करते हैं बेटा पढ़ाई आज का पहला वर्ड ये रहा आपके पास बेस्टिन का मतलब क्या होता है देखो बेस्टिन का मतलब क्या होता है आपने लिख दिया गढ़ आपने लिख दिया बुर्ज मतलब क्या है सर इसका बुर्ज खलीफा जैसे मतलब क्या है देखो बेस्टियन जो वर्ड होता है ये बना था अगर कोई आपको कोई राजा होता था ना पुराने टाइम में देखोगे किला विला बनाता था तो बेटा उसके सामने एक दीवार बेड़ा टाइप का बनाता था जिससे क्या होता था जब सामने वाले जो लोग थे वो जब आप पर अटैक करने आते थे हाँ तो अटैक करने से अटैक करने से क्या था आप अपने आप को बचा पाओगे आप अपने आप को बचा पाओगे तो आप क्या बनाते थे बेस्टियन बनाते थे बनाते थे एक वो आप ये कहो बेस्टियन बनाते थे समथिंग दैट डिफेंड्स अ बिलीफ और लाइफ दैट इज डिफेंड्सरिंग या तो बेस्टियन बेटा कोई भी चीज जो चीज खत्म हो रही है लुप्त हो रही है उसको बचाना या फिर मेरे बच्चे एक स्ट्रक्चर या प्लेस जहां बनाया जाता था अटैक से बचाने के लिए अटैक से बचाने के लिए एक होता है मेरे बच्चे बेस्टियन बेस्टियन so के क्या है दो तरीके से आप इसको रिलेट करते हो एक तो आपने बोला सर समथिंग दैट डिपेंड्स अ बिलीफ ठीक है और लाइफ दैट इज कोई भी ऐसी चीज 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 जो जो इस पर डिपेंड है डिसुप्त तो होती जा रही है खत्म होती जा रही है उसको आप बेस्टियन बोलते हो या मेरे बच्चे मैंने बोल लिया जो किले होते थे उनसे पहले दीवारें बनाई जाती थी अटैक को रोकने के लिए ताकि उन किलो पर उन पर अटैक ना हो उस अटैक को रोकने के लिए जो दीवारें बनाई जाती थी उसके लिए भी आप बेस्टियन उस स्ट्रक्चर के लिए जिसको हम गढ़ बोलते थे और बुर्ज बोलते थे उसके लिए भी बेस्टियन यूज किया जाता है अब एग्जाम्पल देखो मतलब ब्रिटिश पब्लिक स्कूल के एग्जाम्पल ब्रिटिश बनाए जाते थे बेटा जो अपर क्लास प्रिविलेज लोग थे ना अमीर लोग आप कहके चलो वो अमीरों के स्कूल होते थे अब वो क्या होते जा रहे लुप्त होते तो वन ऑफ द लास्ट बेस्टियंस है वो मतलब अगर आप देखोगे पुराने ऐसी मैंने बोला ना ऐसी कोई भी चीज जो ऐसी प्रथा या ऐसी चीज पर आधारित है दैट इज डरिंग जो अब खत्म होती जा रही है तो वन ऑफ द लास्ट बेस्टियंस है वो अब क्या होते जा रहे हैं बेटा वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा इसको बेस्टियंस बोलते हैं इसको बेस्टियंस बोलते हैं आसान हुआ कितने तरीके के मीनिंग है इसके दो एक तो वो चीज जो अब लुप्त होती जा रही है खत्म होती जा रही है और एक मेरे बच्चे जो केला बोला चलो एक बार इसको देखते हैं जरा इसमें मैं अलग ढंग से आपको ये चीज सिखाना चाहूंगा सपोज करो मेरे बच्चे मैंने यहां पर ये मीनिंग सर्च कर लिया थोड़ा सा देखना क्योंकि जहां जो जरूरत पड़ेगी मुझे बताना है वो चीज मैंने यहां पर कहा गया हमारे पास ये हाँ आवाज आएगा मीनिंग मैंने सर्च किया और मैं आपको ले आया भैया इमेजेस पे आ जाओ बेटा आपको यहाँ कुछ इमेजेस इमेजेस नजर नजर आ आ रही रही है है देख रहे हैं बेटा आपको नजर आ रही है। ये इमेजे क्यों बनाई जाती हैं किले के आसपास किले के आसपास क्यों बनाई जाती है बेटा आपने बोला सर ये जो चीज है किले के आसपास जो बनाई जा रही है तो ये सेफ्टी के लिए बनाई जा रही है तो इसीलिए बेटा जब आप बेस्टियन देखोगे बाढ़ जो लगाते हैं आप देखोगे तो ये चीज अटैक से बचाती है इसको बेस्टियन

कैसल बनाया जाता है ताकि जो अंदर लोग रहते हैं उनको क्या किया जा सके बचाया जा सके सेफ रखा जा सके उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है मेरे बच्चे कैसल ठीक है आसान हो गया सर ये तो अच्छा अगला क्या है फोर्ट को भी तो किला ही बोलते हैं बेटा अरे सर ये तो बहुत ही आसान है अच्छा फोर्ट से क्या बना बेटा फोर्टिफिकेशन करना फोर्ट से क्या बना है फोर्टिफिकेशन करना अगला वर्ड आप क्या टाइप करेंगे फोर्ट उससे अगला क्या करेंगे फोर्टिफिकेशन होता है क्या है बेटा जब आप इनको लिखते चले जाओगे आपको स्पेलिंग भी याद होती चली जाएगी ठीक है अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ स्ट्रॉन्ग वॉल्स टावर्स ठीक है दैट आर बिल्ड टू प्रोटेक्ट अ प्लेस तो बोलते हैं ना फोर्टिफिकेशन कर दो एक काम करो चार दीवारी कर दो कहीं ना कहीं अगर आप बोलोगे इसे सम ऑफ ओल्ड फोर्टिफिकेशन स्टिल एग्जिस्ट बहुत सारी ऐसी फोर्टिफिकेशन है जो हमारी सेफ्टी के लिए किए गए थे चार दीवार कहो बाढ़ लगाना कहो ठीक है तो वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं इसको बोलते हैं बेटा फोर्टिफिकेशन करना तो ये वर्ड आपको बिल्कुल किससे याद हो जाएगा बेटा फोर्ट होता है किला फोर्ट से ही फोर्टिफिकेशन बना हुआ है आसान नेक्स्ट साइटेडल कहो या सिटेडल कहो इसे साइटेडल बुलादल बोल देते हैं साइटेडल का मतलब क्या हो देखो भाई ये मेरी साइट है यहां मत घुस जाना ऐसे याद रख लो ये मेरी साइट है जैसे ये मेरा इलाका है यहां मत घुस जाना तो ऐसे याद रखना जो साइटेडल बना है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग कैसल ही होता है बेटा नियर सिटी वेयर पीपल कैन शेल्टर फ्रॉम स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर ये एक ऐसी जगह बनाई जाती थी बेटा जिसको हम बोलते थे अटैक हो गया वहाँ पर लोगों को बचाना है तो यार हमने एक ऐसी जगह बनाई हुई सेफ जगह बोलते हैं ना हाँ जाओ उनको जाके वहां छिपा दो तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैसे ऐसा किला जो नियर अ सिटी बनाया जाता था कि जब कभी भी इमरजेंसी हो खतरा हो ठीक है युद्ध के दौरान ज्यादातर तो वहां पर उन कुछ लोगों को जिनको आप सेफ रखना चाहते हैं वहां जाके आप छिपा देंगे सो द टाउन हैज अ फोर्टीन सेंचुरी साइटेडिल ओवर लुकिंग द रिवर रिवर के पास कहो वहां पर उन्होंने बनाया हुआ है इसको बोलते हैं बेटा साइटेडिल कोई बड़ी बात तो नहीं दिमाग में समझ आती है बेटा कोई भी डाउट यहां तक आगे बैठे फिर है मेरे बच्चे रैमपर्ट अब इस वर्ड के बाद हमारे पास एक और वर्ड है पहले तो बैटलमेंट अच्छा एक बात बताओ बैटल क्या होती है लड़ाई बैटलमेंट लड़ाई के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो सो दूसरे से अटैक से आप बचोगे इसलिए बैटलमेंट को भी इसका सिनोनिम बोल दिया ये सारे वर्ड ज्यादातर आपको वन वर्ड में एग्जाम में दिखाई देते हैं बेटा अगला वर्ड है रैमपर्ट रैम्पर्ट सर ऐसा लग रहा है जैसे रैम्प वॉक नहीं करते हैं रैंप वॉक नहीं करते ऐसा लग रहा है ना रैंप वोक तो आपको नहीं लग रहा वो रैंप वोक जब आप करते हो वो रैंप भी ऐसे बना होता है ना बेटा ऐसे जिसपे चल के आते हैं भाई मॉडल्स है ना रैंप बना होता है तो उससे याद रख लो ना रैंपर्ट का मतलब ये हो गया बेटा रैंपर्ट का मतलब हो गया एक लार्ज वॉल बिल्डिंग राउंड अ टाउन या कैसल टू प्रोटेक्ट इट तो एक बाउंड्री जो आप ऐसे बना रहे हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे अच्छा हिंट किससे याद रह जाएगी रैंप से

ठीक है जिसको बनाया गया है ताकि अटैक से बचाव किया जा सके तो कोई बड़ी बात नहीं बहुत आसान से, से रिवीजन करना क्या बोला मेरे बच्चे बोलामेंट समझ आया समझ 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 आया 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 फोर्ट फोर्टिफिकेशन बैटलमेंट और क्या आया रैम्पर्ड समझ आया रैम्पे और ब्लॉक हाउस आपको समझ आया क्या आपको सारी वो कैप समझ आएगी आपने बोला सर मुझे तो सारी वो कैब समझ आ गई तो मेरे बच्चे एक बात बता फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा रिविजन

जब वन वर्ड में ज्यादा पूछे जाएंगे सारे के सारे वर्ड देख रहे हो ये वन वर्ड में ज्यादा पूछे जाएंगे इसके लिए एंटोनिम जो देगा ना पेपर में वो बड़ी यूनिक देगा जैसे उसने क्या दे दिया वीक स्पॉट वीक स्पॉट का मतलब क्या हुआ कमजोर हिस्सा वहां क्या था एक ऐसा सपोर्ट जो आपको आ, कहीं भी कहो किसी लड़ाई झगड़े से रोकेगा अगर वीक स्पॉट हो गया तो वीक है फिर लड़ाई झगड़े से क्या रोकना वीक होल्ड अगर आपकी किसी चीज पर पकड़ वीक है कमजोर है तो उसका एंटोनिम बन गया एक weakness आपकी कमजोरी है बच्चे मतलब आपने एक पड़ाव पार किया उसके सिनोनिम देखे उसके एंटोनिम देखे आप बुक का पेज नंबर फिफ्टीन आप चले जाओगे आपको दिख जाएगा और पेज नंबर में और श्योर करता हूं राहुल बेटा लेके आना एक बार वोल्यूम कहां वॉल्यूम ठीक है अब अगले पड़ाव पे हम आते हैं पेज नंबर भी, भी, आपको भी बता देता हूं जो बुक से है प्रॉपर उस चीज को लेकर चलना बस ये है हमारे पास वॉल्यूम जो आज हम याद कर रहे हैं लड्डू ये है पेज नंबर हमारा फिफ्टीन ही है आई वॉज राइट पेज नंबर फिफ्टीन है मेरे भाई ठीक है और ये सेट नंबर भी फिफ्टीन है और ये लास्ट का वर्ड मैंने उस सेट का करवाया अब जो मैं आगे आ रहा हूं मेरे बच्चे मैं आ गया यहां पर पेज नंबर सिक्सटीन पर और आपका ये सेट नंबर भी सोलह है अब हमारे पास सफिशियंट में सीपीओ भी आगे खिसक गया है और बेटा उससे पहले आराम से मुझे आपका सिलेबस करा देना है सीजीएल भी आने लग रहा है टाइम अपने पास CDSO, NDO, कोई भी एग्जाम हो बेटा इस बुक से बाहर कुछ नहीं ये किताब है जो खरीदनी है और याद करनी है मेरे साथ तो सेट नंबर सोलह पे सोवे नंबर सेट से आप याद करना स्टार्ट कर दो जहां को तो गूगल पे आराम से उसका मीनिंग सर्च करो बेटा ठीक है सो बी सीरियस अगर आपको लगता है मखोलबाजी में सिर्फ सर जितना याद करा है उतना याद करेंगे हम पीछे से सो पर, सो पीछे से से नंबर पेज पर सेट अगर आप इस किताब को याद नहीं करोगे तो बेटा आई एम रियली सॉरी आप कैसे सिलेक्शन लोगे बेटा वो कह सोवे नंबर सेट से आपको याद करनी है आगे से मैं याद करा ठीक है नोट्स नहीं बनाने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिखेगी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा बेटा सेट नंबर 16 से मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है ये ध्यान रखिएगा तो निन्यानवे जैसे एक बच्चा लिख रहा है ना सर मैंने नाइन नाइन और हंड्रेड सेट याद कर लिया बहुत अच्छे पीछे से आप याद करना स्टार्ट कर दो आप हंड्रेड सेट भी कर लोगे मजा आ जाएगा अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है किताब जैसी आए ठीक है देख लेना जैसे ही ना खरीद डालना बेटा तो फिर वॉल्यूम टू भी जल्दी चालू करूंगा मैं पहले वॉल्यूम वन को तो सफिशियंट करा दू कुछ क्लासेस अब मैं वर्ड बढ़ा रहा हूं देखो बेटा अगला वर्ड है इनडेलीबल का मतलब क्या होता है बेटा इंडेलीबल कैसे याद रखेंगे बैक टू द टॉपिक बेटा डेलीबल ऐसा लगाओ ऐसा लग रहा है जैसे डेलीबल है कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह उसको हिला डोला सकते हो ऐसा नहीं लग रहा Indelible, जैसे मतलब डिलीट कर सकते है। In, इनका मतलब, मतलब नॉट मतलब जैसे पूरा इनकम्लीट तो का मतलब क्या हुआ नॉट कंप्लीट मतलब अगर मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे इनडेलिबल अगर मैं बोल रहा हूं यहां बारह नंबर वर्ड में इनडेलिबल इनका मतलब क्या हुआ नॉट डेलीबल का मतलब क्या हुआ जो डिलीट कर सको जिसे हिटा, हटा सकते हो वो डेलीबल है भूलना अब मुश्किल है नोट एबल टू बी फॉरगॉटन नहीं भूल सकते तो इनडेलिबल का मतलब ये होता है बेटा इनडेलिबल कोई होता नहीं कई बार बंदा आपको बुरा भला बोल देता है आपके दिल पर मतलब मेरे दिल पर लगी बात मेरे दिल पर बात लगी सर जो उसने कही बोला ऐसा क्या कह दिया सर मैंने घर वालों को कहा था एक बाइक दिला दो हाँ उन्होंने बोला तेरी ही क्या है एक साल से तैयारी कर रहा है पेपर तो निकला नहीं तेरा मैंने बोला क्या हो गया फिर कहता दिल पर लगी है सर मेरी बात ये चीज होती बेटा आपके साथ कोई तैयारी कर रहा था उसका सिलेक्शन हो गया आपका नहीं हुआ गई भैंस पानी में मेरे बच्चे भाई साहब दिन कटना भारी हो जाता नहीं

बड़ा ही मुश्किल होगा वो भूल पाना आपके लिए बड़ा ही क्या होगा मुश्किल होगा सर वो मेरे दिमाग से नहीं जाएगा मेमोरेबल मेमोरी से बनाए अन बेटा forgettable क्या है भुला देना जिसे Unforgettable, not forgettable. ठीक है नॉट फॉरगेटेबल भूल नोटेबल को नोटेबल इसका मतलब मेरे बच्चे कोई भी चीज नोटेबल है आपने उसे नोट कर लिया आप उसे भुला नहीं सकते दिस इज कॉल्ड नोटेबल अच्छा अगला है मेरे बच्चे रिमार्केबल रिमार्केबल का मतलब क्या होता है remarkable, आपने परफॉर्मेंस यार जो कभी आप बोला नहीं पाओगे रिमार्केबल ऐसा होता जैसे रिमार्क आगे आप चुपको परमानेंट छप गया भैया परमानेंट का मतलब हो गया जी लास्ट लॉन्ग है ना आप कह सकते हैं बेटा मेमोरेबल हाँ इसलिए के के लिए लिए शब्द भी इसका सिनोनिम सिनोनिम बन गया। अरे आज तो बड़े-बड़े बढ़िया मिल रहे हैं। ठीक है। अब बेटा स्टायरिं। स्टायरिं के लिए मुझे स्टायर को बताना पड़ेगा बाबू स्टायर जो होता है वो दो टाइप से मीनिंग करता है इसलिए मैंने इसे 18 और उन्नीस दो नंबर दिए दो मीनिंग कैसे हैं? एक तो देखो बेटा स्टायर का मतलब होता है टू मिक्स आ लिक्विड और अदर स्टूडेंट बोलते ना स्टायरिंग सो so, ये होता है एक मतलब होता है इफ समथिंग स्टायर्स यू इट मेक्स यू फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशन क्यों हिला डाला ना डाल रजनी सरकार स्टायर का मतलब ये भी है आपको कोई चीज अगर क्यों हिला डाला ना इसका मतलब वो चीज आपके लिए क्या है बेटा इट मेक्स यू फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशन उसके लिए बोलते आई वॉज डीपली हर परफॉर्मेंस बोलते हैं ना ये तो मेरे बच्चे वो यही तो आपने लिक्विड और अदर को मिक्स किया अब आदमी ऐसा है तो बेटा ये चीज भी हमारे पास वर्ड आ गया सर आपने बोला बड़ा ही से याद हो गया लास्ट वर्ड है हमारे पास इंड जो हमारे पास लास्ट वर्ड है बेटा क्या है इंडियोरिंग सर इंडोर करने का मतलब भी क्या होता है बेटा एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इंड्योरिंग अपील द इंड्योरिंग अपील ऑफ कार्टून ठीक है आई शेल बी लेफ्ट विद मैनी इंड्योरिंग मेमोरीज ऑफ द टाइम I spent in India. याद है आप शक्तिमान देखा करते थे शक्तिमान देखा है बेटा कौन कौन नहीं जानता शक्तिमान को जो जो शक्तिमान को नहीं जानता वो यंग जनरेशन है हमारे वाले जो जो बच्चे आप में से शक्तिमान को जानते हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है सर क्यों क्योंकि उसके इंड्योरिंग मेमोरीज है आपके पास इंड्योरिंग मेमोरीज है आपके पास वो चीज यहां पर है भैया उसको बोलते हैं बेटा जानते हो बाकी तो बुजुर्ग हो गए बाकी फिर बुजुर्ग है भैया जो जो शक्तिमान जानता है वो ये मान ले बेटा ज्यादा अपने आप को जवान लोंडे जवान लोंडे मत क्या करो आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं ठीक है चलो बेटा शक्तिमान को जानते हो ठीक आ जाओ आ जाओ बेटा अगली बात को देखते हैं भैया जी ये हुआ हमारे पास एंड अगला है भैया हमारे पास वर्ड कहां गया ये रहा अनरिमार्केबल या रिमार्केबल और अन लग गया तो क्या हो गया बेटा नॉट रिमार्केबल आपको लग रहा वो क्या इजी लगनी चालू हो रही है आगे देखो बेटा भुला भुला देंगे उसको उसको सर सर मैं भुला दूंगा सर उसको। अरे भुलाना ही पड़ेगा सुर सुर क्या कर रहा है कहता भुला दूंगा सर भूलना ही पड़ेगा बेटा कोई ऑपर ऑप्शन भी नहीं है <laughs> कोई ऑप्शन भी नहीं है डेलीबल क्या मतलब है डेलीबल है सर इनडेलिबल और डेलीबल डेलीबल मतलब जिसको डिलीट कर सको सो so, डिलीएबल का मतलब हो गया मेरे बच्चे जिसको डिलीट कर सको डिलीएबल होता है जिसको हटा सको मिटा सको दिस इज कॉल्ड डिलीएबल जिसको इरेज कर सको ठीक है इसीलिए बन गया बेटा इरेजेबल जिसको क्या कर सको इरेजेबल जिसको मिटा सको है ना जैसे पेंसिल से कोई चीज मिटाएगी तो वो क्या होगी इरेजेबल होगी है ना फिर तो शाकाला का बंबु भी देखा होगा तुमने इतने पुराने हो तुम अगर तुम टाइम पे नौकरी लगते ना आज तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा होता मैं वो एम की तैयारी कर रहे होते तुम्हारी ढिलाई ही है ढिलाई है? है तुम बच्चों के नाम रखने की उम्र है तुम और वो क्या याद करने लग रहे हो अभी भी पढ़ लो नहीं कम अगला है बेटा टेस्ट्रेक्टिबल जिसको डिस्ट्रैक्ट कर सको जिसको डिस्ट्रैक्ट कर सको इसका मतलब है बेटा डिस्ट्रैक्टिबल का मतलब है जिस चीज को एबल टू बी डिस्ट्रॉय ब्रोकन जिसको आप हटा सको मिटा सको बर्बाद कर सको उसके लिए ये वर्ड होते हैं मेरे बच्चे स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर गेम्स जैसे द गेम्स मेन सेलिंग पॉइंट इज इट्स टोटली डिस्ट्रेक्टिबल एनवायरमेंट सो बेटा डिस्ट्रैक्टिबल का मतलब है जिसको आप डिस्ट्रॉय कर सको बर, बर्बाद कर सको तोड़ सको मरोड़ सको खत्म कर सको मिटा सको उसके, उसके लिए वर्ड डेस्ट्रैक्टिबल वर्ड यूज किया जाता है है है, ना? वर्ड यूज किया जाता है। ये वर्ड हुए आपने बोला सर थोड़ा सा आज लाइट लग रहे हैं ट्वेंटी फाइव हुए अब अगला पड़ा ट्वेंटी सिक्स वर्ड

जब आप मेरे बच्चे बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ गजब तरीके से काम को जल्दी करें और अच्छा करें डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी जब आप स्पीड के साथ और एफिशिएंसी के साथ काम करें एकदम तुरंत जैसे एस बी आई बोलेंगे सर एस बी आई में तो लंच चलता है।, है जैसे सरकारी बैंक हमेशा काम आपको हमेशा काम आपको शानदार तरीके से जानदार तरीके से एकदम समय पर करके देते हैं आप कहोगे मुझे समस्या है। ओके okay, सर अभी आपकी समस्या का निवारण करते हैं सर सो so, वो बैंक क्या है एकदम सही सटीक और जल्दी काम करके देते हैं सर वो है एक्सपेडिशियस क्या है एक्सपेडिशियस सो बेटा द बैंक द एस बी आई बैंक वॉज एक्सपेडिशियस इन रिप्लाइंग टू माई लेटर आपने लेटर लिखा मुझे ये समस्या है उन्होंने बोला ओके सर अभी सोल्व हो जाएगी सर ठीक है ना या लंच के बाद आना कई वर्ड उल्टे भी याद करते हैं तो याद रखना सर ने कहा था एस हमारे पास क्या है एक्सपेडिशियस है एक्सपेडिशियस मतलब बोलना भी बैठे वर्ड मुंह से बोलना भी है घर बैठे बैठे एक्सपेडिशियस मतलब जो एकदम सटीक और जल्दी से काम करे तो एसबीआई हमारे लिए हमेशा क्या <laughs> क्या रहता है अलर्ट रहता है सर हमारे लिए तुरंत काम करता है क्या रहता है बेटा अलैक्रिटस से रहता है Alacritus का भी मतलब होता है बेटा एकदम जो बिना 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 किसी hesitation के, किए, किए एकदम तुरंत काम करने वाला एक्सपेडिशियस होता है तो आज के बाद याद रखना एसबीआई क्या है एक्सपेडिशियस है एसबीआई क्या है अलर्ट है एस क्या है अलैक्रिटस है ठीक है बेटा <laughs> चलो रिसेप्टिव रिसेप्टिव है receptive का मतलब क्या होता है बेटा आप उसके पास गए रिसेप्टिव का मीनिंग देखो आप उसके पास गए आपकी सुनवाई होगी आपकी बातें सुनी जाएंगी आपकी बातों का निवारण किया जाएगा आपके नए आइडियाज एक्सेप्ट किए जाएंगे अगर आपको सलाह देंगे तो आपकी सलाह मानी जाएगी रिसेप्टिव नेचर है आप रिसीव कर रहे हैं चीजों को जिद्दी नहीं ऐसा नहीं करूंगा आप कुछ कहते हो आपकी सुनवाई होगी आपकी बात मानी जाएगी सो रिसेप्टिव रिसीव रिसीव रिसेप्टिव नेचर है ठीक है इसका मतलब विलिंग टू लिसन टू जो आपको सुने और एक्सेप्ट करे आपके नए आइडियाज को एक्सेप्ट करे आपकी सजेशन को उसके लिए बोलते हैं बेटा रिसेप्टिव नेचर होना द गवर्नमेंट इज नॉट रिसेप्टिव टू द आइडिया ऑफ अ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट गवर्नमेंट के बारे में ये नजर थी क्यों गवर्नमेंट नहीं चाहती भैया इलेक्शन में कहां से पैसा आया तुम्हें जानने की क्या जरूरत है ये चीज है भैया ठीक है तो वो क्या कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पे गवर्नमेंट क्या नहीं है नॉट रिसेप्टिव गवर्नमेंट कहती है भैया ये पैसा कहां से आया हम कहा बताएं भैया समझ रहे बेटा हम कहा बताएं तो ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट हमारे लिए रिसेप्टिव नहीं है वरना तो रिसेप्टिव होती बेटा उसके लिए वर्ड रिसेप्टिव यूज किया जाता है जो आपके तुरंत सुनवाई करे आपके नए-नए आइडियाज को माने ठीक है वेरी गुड आज ये जो इमीडिएट रिस्पांस देती है वो कौन सी बैंक एसबीआई एकदम आपको इमीडिएट रिस्पांस मिलेगा तुरंत बेहतर से बेहतर रिस्पांस दिया जाएगा कोई सी भी प्रकार की डिले नहीं होगी आगे देखो भैया फ्लीट अगला वर्ड क्या है बेटा फ्लीट करना सर फ्लीट का मतलब क्या हुआ फ्लीट होता है मेरे बच्चे एबल टू रन क्विकली फ्लीट ऑफ फुट ठीक है शी शी स्लाइट स्लाइट एंड एंड फ्लीट फ्लीट ऑफ ऑफ फुट फुट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे एकदम जल्दी से मूव करना एबल टू रन क्विकली तो ऐसा कर रहा है जैसे उड़ानी भर ली उसने ऐसा कर रहा है जैसे उसने तो उड़ानी भर ली बेटा इसको बोलते हैं फ्लीट लेकिन आप सभी बच्चों को जानकर बेहद खुशी होगी फ्लीट के दो मतलब होते हैं फ्लीट का एक मतलब होता है बेटा ये जो एकदम एबल टू रन क्विकली और एक फ्लीट होता है बेटा कंट्रोल ऑफ वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन or इसका मतलब बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स शिप्स का समूह ठीक है बसेज का समूह एयरक्राफ्ट का समूह आपके लिए बोलते हैं टैक्सीज का समूह So, उसके पास है अ फ्लीट ऑफ टैक्सीज उसके पास टैक्सीज का समूह है तो बेटा उसको बोलते हैं फ्लीट का मतलब क्या हो गया भाई मेरे समूह ग्रुप होना ठीक है तो फ्लीट कितने मीनिंग हुए दो मीनिंग हुए तो बेटा ये वन वर्ड सब में भी पूछ लेगा और आपका कलेक्टिव नाउन हो गया ना ये कलेक्टिव नाउन हो गया ना बेटा ये फ्लीट ठीक है भैया मेरे आगे देखो बेटा प्रॉम्प्ट अगला वर्ड क्या भैया prompt सर prompt का मतलब क्या होता है देखो बेटा prompt का मतलब पहला मीनिंग टू मेक समथिंग हैपन जिससे कि कोई चीज हो जाए जिससे कोई चीज हो जाए जैसे द स्पीच हैज प्रॉम्प्टेड एन एंग्री रिस्पांस फ्रॉम बोथ पॉलिटिकल पार्टीज बेटा प्रॉम्प्ट मतलब क्या हो गया सर उस भाषण से ना हाँ सर गुस्से में आ गए सब तो उस भाषण ने क्या उस स्पीच ने क्या कर दिया प्रॉम्प्ट कर दिया एक एंग्री रिस्पांस सब गुस्से में आ गए भाषणबाजी से गुस्से में आ गए स्पीच से सब गुस्से में आ गए प्रॉम्प्ट करना है दूसरा प्रॉम्प्ट का मतलब होता है मेरे बच्चे कोई भी चीज जो आप जल्दी से करते हो बिना किसी डिले के ठीक है जैसे दे है एसबीआई ने आपको तुरंत रिप्लाई किया आपने बोला सर वो तो एस बी आई के द्वारा प्रॉम्प्ट रिप्लाई था एकदम हमने कहा हमारा पैसा कट गया और मेरा पैसा वापस कब तक आएगा उन्होंने बोल दिया सर चेक करिए फोन पे बात करते करते हाँ चेक किया और आपने वापस आ गया पैसा इसको बोला हमने प्रोम ट्रिप ठीक है भैया चलो जी तो आज हमने बहुत शानदार तरीके से प्रॉम्प्ट के दो मतलब या तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता तो है टू मेक समथिंग हैपन जिसकी वजह से कोई चीज हो जाए ठीक है जिसकी वजह से कोई चीज हो जाए उसके लिए बोलते हैं बेटा प्रॉम्प्ट तो प्रॉम्प्ट के मतलब भी कितने हुए बेटा दो मीनिंग हुए है ना कितने हुए दो उसकी उसकी बातों की वजह से मुझे गुस्सा आ गया तो उसकी बातों ने प्रॉम्प्ट कर दिया माई एंगर तो मुझे गुस्सा दिला दिया ठीक है यह चीज याद रखिएगा बेटा डन है पक्का भैया बहुत बढ़िया तो प्रॉम्प्ट हो गया प्रॉम्प्ट के दो मतलब इसका बेटा क्विक यार क्विक तो इसका सिनोनिम बनना ही है बेटा बहुत आसान अच्छा रैपिड बेटा रैपिडो करते हो ना रैपिडो इस रैपिड से ही तो बना है कहता है बुला ले यार रैपिडो पढ़ते हो ना रैपिडो वेरी गुड तो बेटा रैपिडो का मतलब क्या होता है

सिव बोल दिया जाता है तो आप लेट रिप्लाई नहीं करेंगे बेटा, आप reply करेंगे, तो आपको responsive बोल दिया जाएगा, ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं अब इसके देखते हैं, चलो बेटा, देखो, Expeditious, word मेरे साथ साथ एक बार बेटा बोलते चलना गुटका थूक दो सारे बच्चे गुटका थूक दो जो जो खा रहे हैं गुटका थूक दिया बोलते कहते हैं <laughs> गुटका तो नहीं खा रहे गुटका नहीं खा रहे तो बोल महाराज साथ, साथ बोलना बेटा मजाक से हटके साथ साथ बोलेगा एक बार घर बैठे वर्ड लाइब्रेरी में बैठे हैं तो धीमी आवाज में एक्सपेडिशियस अलर्ट इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिटस रिसेप्टिव इमिजिएट फ्लीट प्रॉम्प्ट क्या बोला क्विक रैपिड रेस्पॉन्सिव बोल दिया भैया जी पक्का साथ साथ बोला वेरी गुड आगे देखते हैं मेरे भाई एंटोनिम्स पढ़ते हैं थर्टी एंटोनिम्स पढ़ते हैं थर्टी बेटा क्रॉल क्रॉल का मतलब क्या होता है सर क्रॉल का मतलब होता है बेटा मतलब बहुत स्लो सो टू मूव और प्रोग्रेस स्लोली विदाउट डिफिकल्टी क्रॉल कर रहा है भैया लुड़क 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 के चलेगा तो क्रॉलिंग करना बोलेंगे ना सो so, क्रॉल का मतलब होता है बेटा ठीक है लुड़क लुड़क के चलना या कोई भी चीज आराम आराम से जैसे लोरी जो थी क्रॉल्ड नॉइसली अप दिल तो आता ये होता है बेटा क्रॉल करना ठीक है अच्छा एक वर्ड हमारे पास होता है क्रॉल का जैसे सेकंड मीनिंग क्या बताया आपने टू मलोंग ऑन हेड्स एंड नीज मतलब घुटनों के बल चलना छोटे छोटे बच्चे आप बचपन में कैसे चलते थे आप बचपन में सीधा खड़े होकर चलना चालू कर दिया था नहीं आप कैसे चलते थे ऐसे क्या बोलते हैं उसको ऐसे होता है ना बेटा जब आप नीज और हाथ पांव से यूं चलते हैं उसको बोलते हैं ना हिंदी वर्ड कुछ बोलते हैं यार उसको बच्चा क्रोल करके चलता है लुढ़क लुढ़क के तो ऐसे चलता है ना बच्चा बैर ऐसे करके बैंड करके यूं चलता है उसको हिंदी वर्ड क्या होता है उसके लिए गुड़लिया चलना है ना ऐसा कुछ वर्ड होता है तो बचपन में आप ऐसे ही चलते थे चलते चलते वही मिट्टी उठाई है ना ऐसे तो करते थे अब मिट्टी यूं मस्त बारिश में आई है या कई बच्चे तो घर के फर्श को ही खोद देते थे पुराने जमाने में घर में क्या होता था ऐसी फर्श बनते थे उसके सीमेंट डाल के तो उनमें थोड़ा सा यूं उंगली से भी भले ही यूं खुर्च, 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 खुर्च। थोड़ा थोड़ा मिट्टी हा घर वाले कितनी रोटी खिलाएं लेकिन जो मिट्टी की खुशबू होती थी उनकी वो निपटा डालते थे है कि नहीं वैसे वाले बच्चे तो कैसे करते थे बेटा क्रॉल करके चलते थे है ना क्रॉल द चाइल्ड क्रोल्ड अक्रॉस द ये होता है 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 बेटा बेटा चलना ठीक तो 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 मैंने बोल दिया ना विद और नीज, जब आप चलते हैं तो उसको भी के कितने मतलब भैया दो है। तो बेटा, एक बात बताओ उसमें बच्चा तेज चलेगा या स्लो चलेगा स्लो चलेगा चलेगा स्लो चलेगा तेज या तो आप बोलोगे सर उसमें तो स्लो चलेगा इसलिए क्रॉल का मतलब होता है बेटा आहिस्ता प्रोग्रेस करना आहिस्ता प्रोग्रेस करना दो चीज होगी ठीक है भैया

सो so डोडल होता है बेटा किसी भी काम को बहुत ई और है बेटा इसे ई और लिख लेना जहां ई मिसिंग है सो डी ओ डी ए डब्ल्यू डी एल ई डोडल डोंट डोडल योर टाइम इसका मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम डोंट डोडल योर टाइम टू डू समथिंग और गो समवेयर वेरी स्लोली डोंट डोडल अरे टाइम बर्बाद मत कर डोंट डोडल टाइम वेस्ट मत कर टाइम बर्बाद मत कर इतना स्लो स्लो चीजों को मत कर ठीक है तो ये चीज है जैसे होता नहीं है आप जाते हैं एस में आपने फॉर्म फिल करना है कुछ करना है तो वहां पर बैठे हुए अंकल यूं कर रहे होते सी जैसे आपने नाम बोला नाम क्या है हिमांशु अच्छा हिमांशु एच आई एम और आप ये देख रहे हो अंकल जब तक मेरा नाम रखो तब तक मेरा बच्चा पैदा हो के, बड़ा हो जाएगा उसका और खाता खुलवाना पड़ जाएगा जल्दी करो ना आप डोडोल कर रहे हो तो ये जो आहिस्ता, आहिस्ता हो, गया हो, गया, हो गया हो गया हो गया हो गया मुबारक मुबारक तो ये चीज है डोडल का मतलब किसी भी चीज को बहुत स्लोली आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वहां देखते नहीं है आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसीलिए अब क्या हो रहा है आप गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर जाते हैं कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है अब टाइपिंग भी मान लेना टाइपिंग भी आनी चाहिए इंग्लिश भी आनी चाहिए फलाना भी होना चाहिए भी होना चाहिए तो बेटा कंपटीशन बढ़ रहा है टू डू समथिंग और गो समवेयर वेरी स्लोली डोडल अगला बेटा लगर्ट लगर्ट देखो लगर्ड का मतलब क्या होता है अच्छा पहले इसको डिलेटरी अच्छा डिलेटरी तो एक बात बताओ जो डिले करेगा डिले का मतलब क्या होता है देरी सो बेटा डिलेटरी हो जाएगा सो डिलेटरी वर्ड आसान नहीं हो गया डिलेटरी डिले करने वाला और स्लंगर्ड एक वर्ड होता है स्लंगेश एक वर्ड होता है उसी से बना बेटा लंगर लंगर लोंग मतलब काम को खींचने वाला लंगड़ समवन और समथिंग दैट इज वेरी स्लो लंग लंगड़ मतलब चीज को लॉन्ग लंबा खींचने वाला लंगड़ मतलब चीज को लॉन्ग लंबा खींचने वाला उसके लिए हम शब्द जो यूज करते हैं वो लंगड़ शब्द यूज करते हैं <coughs> याद रहेगा वेरी गुड सो बेटा उसके लिए सुस्त के लिए कई बार लेजी के लिए भी ये वर्ड आप यूज करते हो आइए अब अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं यहां पर तो 43 पड़ाव पे बढ़ते हैं अगला बेटा ये वर्ड कैसे याद रखो ये बहुत बढ़िया वर्ड है अनार्किस्ट बोलेंगे बेटा इसे अनार्किस्ट बोलेंगे अब अनार्किस्ट को याद रखने के लिए इसमें जो लॉजिक है वो जुड़ेगा मेरे बच्चे रूट मेथड जैसे ये बना है ए एन अलग कर दो और आर्किस्ट अलग कर दो बेटा ए एन का मतलब होता है नॉट

जो है आपकी गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखता वो कहता है नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए इसलिए मतलब गवर्नमेंट उसको चाहिए ही नहीं भी गवर्नमेंट नहीं।, नहीं चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी हो रहा हो रहा है वो खुश रहेगा वो खुश रहेगा वेन द गवर्नमेंट टेल इन कोरोना टाइम अगर हम देखें अगर बातचीत समझे हाँ गवर्नमेंट खत्म तो अनारकिसमेंट मतलब चाहता ही नहीं है ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट नहीं चाहता सो एक ऐसा इंसान है जो गवर्नमेंट चाहता ही नहीं ठीक है अनार्किस्ट है एक होता है अनारकी जो इसी से बना है देखो जो अनारकी एना और आरकी से ही बना है अनारकी और अनार्क दोनों सेम है बेटा मीनिंग बिल्कुल सेम है तो ये दोनों के दोनों सेम है मीनिंग दोनों के दोनों के सेम है तो ये ध्यान रखिएगा अनार्किस्ट जो इंसान है वो ए एन से बना है और जब आप अनार्किस्ट को देखेंगे बेटा अनार्क को देखेंगे तो हम समझ जाना सर हमारे लिए तो काम बेहद आसान हो गया ठीक है तो अनार्किस्ट पर्सन एक ऐसा पर्सन है बेटे बच्चे जो अपने आप में गवर्नमेंट को चाहता ही नहीं कि गवर्नमेंट हो अनार्कि भी हो गया भी हो गया अच्छा एक वर्ड है बेटा सबवर्सिव 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 का भी मतलब होता है ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज समथिंग स्पेशली एन एस्टेब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम जो चाहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम का सत्यानाश हो जाए वो खत्म हो जाए ठीक है सो so बेटा बहुत सारे लोग हैं जो सबवर्सिव है सबवर्सिव है तो सबवर्सिव होना मेरे बच्चे एकदम ऐसा है सबवर्सिव एलिमेंट्स सबवर्सिव ग्रुप्स इन सोसाइटी ठीक है तो हमें सबवर्सिव ग्रुप सबवर्सिव कई लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो चाहते हैं गवर्नमेंट का सत्यानाश हो जाए खत्म हो जाए बर्बाद हो जाए जो डैमेज करना सोचते हैं मेरे बच्चे डिस्ट्रॉय करना सोचते हैं उसको बोलते हैं सबवर्सिव पर्सन सबवर्सिव पर्सन सबवर्सिव पर्सन याद रखिएगा ठीक है वेरी गुड सबवर्सिव पर्सन आइए एक्सट्रीमिस्ट अगला वर्ड क्या है एक्सट्रीमिस्ट हमारे पास फोर्टी कहां गया भैया एक्सट्रीमिस्ट क्या बेटा ये नाउन सर एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है वो अगले पेज पे मैंने एक्सप्लेन किया समवन हु हैज बिलीव दैट मोस्ट पीपल थिंक आर अनरीजनेबल एंड अनएक्सेप्टेबल मतलब वो ये सोचता है जो ज्यादातर लोग जो सोच रहे हैं वो अनरीजनेबल है इसका मतलब मेरे बच्चे अगर लोग चाह रहे हैं गवर्नमेंट हो भाई बात कानून के तहत चीजें चले वो नहीं चाहता वो चाहता सब कुछ खत्म

ये चीज हो एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीम से बना आसान हो गया अगला वर्ड है मेरे भाई इसका जो एक्सट्रीमिस्ट है अगला वर्ड है क्रेजी तो भाई साहब वही है। मतलब वो जो सोच रहा है मेरे बच्चे उसको क्रेजी भी बोल देते हैं पागल है मतलब सोचते जो कुछ हूं मैं ही हूं एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को बना के रखता है दूसरे लोगों के विचार ऐसे नहीं है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इसीलिए उसको कई बार बोल दिया जाता है रेडिकल रेडिकल का मतलब क्या होता है आओ भैया जानते हैं रेडिकल का मतलब होता है बेटा बिलीविंग और एक्सप्रेसिंग द बिलीफ दैट देयर शुड बी ग्रेट और एक्सट्रीम सोशल और पॉलिटिकल चेंज बेटा उसका ये मतलब है कि बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए ठीक है उसको ये लग रहा है कि सोशल और पॉलिटिकल चेंज आना चाहिए ही was known एज अ रेडिकल रिफॉर्मर रेडिकल थिंकर रेडिकल politician. उनको लग रहा बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए ऐसा हो जाना चाहिए कई बार नेता नहीं होते अब जो भाषण ऐसा दे रहे होते हैं हमें पता है वो इम्पॉसिबल है होना इम्पॉसिबल है ये कोई बात थोड़ी ना है यार ये चीज तो रीजनेबल नहीं लग रही सो वो क्या है रेडिकल थिंकर कुछ सोच रहा बहुत ही अलग ही जो भाई साहब ये हो जाए ये हो जाए और जो चीज आपको लग रही है ऐसा फिलहाल देखेंगे तो ना एक्सट्रीमिस्ट है अपने आप में अलग ही है सो so, रेडिकल सोचने वाला भी रेडिकल थिंकर भी ऐसा ही होता है बेटा, जो ऐसे विचारधारा रखता है कि बहुत ही गजब का बस सोशल चेंज आ जाए बहुत ही गजब का बस सोशल चेंज ले आऊ बहुत ही गजब का मैं पॉलिटिकल चेंज ले आऊ सिंपल चीजें उसी हिसाब से चल रही रेडिकल अच्छा इसी के लिए बोल लिया बेटा रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन लाऊंगा मैं इस समाज को बदलूंगा होते नहीं पुराने मूवीज में देखते क्या थे रेवोल्यूशनरी लोगों को गुंडे लोग मार देते थे वो समाज में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे हम नहीं इसकी मानेंगे हमारा अपना अस्तित्व है पता चला शाम तक वो बंदा है बंदा क्यों रेवोल्यूशनरी था अकेला लौंडा सिस्टम के खिलाफ चलेगा तू मेरे खिलाफ बोलेगा खत्म शाम तक बंदा खत्म ज्यादातर

चलो बाबू 49 हुए अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं ये सब नफरत थी कानून से नफरत थी गवर्नमेंट से कुछ बड़ा बदलाव सोचने की थी अब बेटा 50 कहां गया भैया 50 वर्ड ये रहा मेरे बच्चे इसका मतलब इसका मतलब उसके एंटोनिम्स लेजिटिमेसी सर लेजिटिमेसी का मतलब क्या हुआ देखो लेजिटिमेसी का मतलब होता है बेटा द क्वालिटी ऑफ बीइंग लीगल मतलब लीगल से ये वर्ड बना है बेटे इसलिए मैंने लीगल शब्द यूज किया लीगल से वर्ड बना है सो so, लेजी मतलब लीगल सो लेजी लीगल चीजों से चलने वाला ठीक है जो लॉयर्स हैं उन्होंने सीरियस डाउट्स अबाउट लेजिस्टिमेसी पेश किए मिलिट्री एक्शन के सो so, लेजिस्टिमेसी इसका मतलब क्या हुआ कानून के तहत बेटा वहां तो गवर्नमेंट के खिलाफ थे गवर्नमेंट चाहते ही नहीं थे सो so, legitimacy, जो लेजिटिमेसी होता है लेजिटिमेसी लेजी मतलब लीगल लीगल से ये वर्ड याद रखिएगा, रहे याद रहेगा बेटा हिंट बहुत जरूरी ऑर्डर लीनेस ऑर्डर मतलब सब कुछ सिस्टेमेटिक चलेगा बेटा, पीसफुलनेस कोई रेवोल्यूशन नहीं लाना कहता हो भाई जियो हो और जीत पीसफुल चलना अरे हम कुछ कर सकते हैं हम खो कर देंगे वो कर देंगे खुद की सरकार बनाएंगे सरकार पर कोई वे... नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा हमसे ना हो पाएगा उसके लिए वर्ड यूज किया जाता

अगला पढ़ाओ आप बुक में इसे अगला वर्ड पाओगे जो फिफ्टी थ्री नंबर का वर्ड है ये है मेरे बच्चे लास्ट पढ़ाओ बेटा झिल रहे हैं ना एक देखो आप में से बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में कई बार कई बार नेगेटिविटी बच्चा भर देता है अरे दिन के दस वर्ड वर्ड याद कर ले बहुत है दिन के पंद्रह वर्ड याद कर ले बहुत है सर पचास वर्ड साठ वर्ड बहुत हैवी पढ़ते बेटा जो सिलेक्शन लेता है ना उसके माँ कसम आस पास भी नहीं होते तो। अब एक दिन में वो टारगेट पता है क्या रखता है पचास वन वर्ड पढ़ लूंगा पचास एंटोनिम पढ़ लूंगा एंटोनिम सोनोनीम पढ़ लूंगा पचास पचास सीढ़ी पढ़ लूंगा और भाई बीस पच्चीस ऐसे पढ़ते हैं पागल सेलेक्टेड वाले बच्चे और जिन जिन को ये लग रहा है ना साला चीर दिया फाड़ दिया आग लगा दी पचास वर्ड कुछ नहीं उखड़ा अगर दिन के पचास वर्ड मैं पढ़ा रहा हूं ना तो दिन के पचास आप बुक के पीछे हंड्रेड नंबर सेट से आप भी याद करो अब अगर आप अपने आप को ज्यादा तीस मार का समझ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना मैं हकीकत रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको अभी सीपीओ के जिन बच्चों के हमने इंटरव्यू लेने अभी चालू किए हैं आज चार मैंने इंटरव्यू बच्चों के लिए फोटोज भी मैं अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ मेरे भाई उनके दो में से सीपीओ मेन्स में क्या मार्क्स है सुनोगे आप वन एटी फाइव पॉइंट समथिंग वन एटी वन पॉइंट समथिंग न एटी एट पॉइंट समथ मतलब भाई साहब एक सौ पचासी एक सौ छियासी एक सौ इक्यासी दो सौ में से इतना नंबर लाने के लिए आपको इंग्लिश में पता है कितनी मेहनत तो लगेगी और आप 2024 के बच्चे आप जो पेपर देने जाएंगे कट ऑफ दो तीन नंबर और बढ़ा के लो कंपटीशन बढ़ रहा है आई एनर्जी वापसी तो बेटा 60, 50, 60 वर्ड मैं याद करा रहा हूं आपको 50 साठ याद करने थकना नहीं है चलो फटाक से देखो पार्च। बेटा पार्च करने का मतलब क्या होता है बेटा बन तो बना दिया ठीक है पांच मिनट और चलेगी बेटा क्लास फिर आपने पार्च कर दिया उसको सुखा दिया पार्च का मतलब होता है बेटा सुखाना तो मेक और बिकम ड्राई थ्रू इंटेंस करके किसी चीज को पार्च कर दिया सुखा दिया इसीलिए जो फ्रूट है वो पार्श कर दिए जाते हैं वह है ना बेटा क्या करने के लिए फ्रॉम स्टेइंग इन द सन होना है स्टे कर दिया उनका मतलब धूप में रख दिए ठीक है इन द सन का मतलब वहां पर धूप है बेटा ये नहीं कि सूरज के ऊपर रखे जाओगे धूप में रख दिए काफी लंबे टाइम तक वो सूख गए

फार्मिंग है लैंड मतलब बेटा इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या है अब करो भाई एक साल में उस धरती पर उस लैंड पर आपने तीन बार फसल उगाने थी, आपने वो चार से पांच बार फसल उगा दी बेटा तो वो जो लैंड है जो धरती है बेटा वो डेसिकेट हो गई सूख गई डेसिकेट का मतलब ये होता है वो सूख गई तो डेसिकेट हो गई सुखा दिया, बंजर बना दिया आपने इस चीज को अच्छा इसलिए ड्राई अरे डिहाइड्रेट हो जाते हो जब बेटा अपना डिहाइड्रेट कब होते हो आप डिहाइड्रेट कब होते हो आप जब बॉडी का पानी सूख जाता है उसको बेटा डिहाइड्रेट बोलते हैं अब जब आप किसी को बेक करते हैं तो बेक करना है बेटा पकाते हैं उस चीज को तो वो क्या हो जाती है सूख जाती है इवेपोरेट करना बेटा इवेप्रेट करने का भी मतलब क्या होता है आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं सुखा रहे हैं इवेप्रेट करना बेटा इवेपरेट करने का मतलब होता है टू कॉज अ लिक्विड टू चेंज टू अ गैस इवेपरेट कर रहे हैं हीट कर रहे हैं तो वो इवेपरेट होता है भाप बन जाती है ठीक है सो प्लांट्स की कूलिंग ड्यूरिंग द समर बाय इेटिंग वाटर फ्रॉम देयर लीव्स लीव से वो वाटर को इवेपरेट करते हैं ताकि वो प्लांट्स अपने आप में क्या रह सके ठंडे रह सके सो so, इवेपरेट करने का ये मतलब हो गया जो जब तक बताए श्योर क्या वर्ड है श्योर श्योर करने का मतलब क्या है टू बर्न द सर्फेस ट किसी सरफेस को आगे लगा दिया आपने तो उसका पानी क्या कर दिया सुखा दिया खत्म सो हीट फ्रॉम्लोजन शियर हैंड एंड जला दिया किसी चीज की so, सरफेस को जला देना आग लगा देना उसको बोलते हैं बेटा शेयर उसको बोलते हैं शिवर फिर क्या है लैक ऑफ रेन

सो so, बेटा ड्राई हो जाना कमजोर हो जाना सूख हो जाना पता है खिलना फ्लॉरिश विथर सो so, इसको बेटा विथर, विथर बोला जाता है इसको विथर बोला जाता है अब अगले के बाद एंटोनम्स बाद में पहले इसके लिख पर मैं आगे बता देता हूं सो so, इवेपरेट करना शेयर करना और क्या बोला मेरे बच्चे शाइवल और विथर और विथर आसान हो गया आगे बढ़ते अब हमारे पास है इसके बेटा एंटोनाइल डाइलच

Drench, drench करने का मतलब क्या है टू मेक सम वन और समथिंग एक्सट्रीमली वेट तो अट सडन ठीक है थंडर आया है ड्रेंच अस टू द स्किन ड्रेंच कर देना भिगा देना फ्लड आगे बेटा बाहर वहां पे पानी सुखाना है तो यहां पर क्या करो बाहर ला दो अगला वर्ड है मेरे बच्चे इन भैया इसके दो मीनिंग है और भैया मेरे ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा ये

ठीक है आप जितना समय अगर नौ घंटे लगता है तो हो सकता आप घंटे में भी तय कर दें पापा की एक फोन कॉल में इतनी ताकत होती है, <laughs> है कि नहीं इतनी ताकत हो सकती है हो सकता है कुछ ना मिले तो भाई साहब आप दौड़े दौड़े निकल ले बस पापा आ गए पापा आ गए पापा आ गए ये कहानी है भैया जी है ना माँ से तो भले ही कह दो पापा की एक फोन कॉल बाजू में खड़े मिलोगे तो ये है ताकत तो बेटा का मतलब ये होता है इनंडेट का मतलब कई बच्चे तो इतने खौफ में होते हैं जैसे कहा था बच्चे टू गिव समन सो मच वर्क सो मैनी थिंग्स किसी को इनंडेट कर दिया आपने बहुत ज्यादा बाहर आ गई काम की बाहर आ गई सो वी हैव बीन इनंडेटेड विद रिक्वेस्ट वी हैव बीन इनंडेटेड विद फोन कॉल्स सो इनंडेट हो जाना यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है बेटा। हो जाना सेचुरेशन आगे किसी पॉइंट की तो मैं बेटे अच्छा देखो फ्लड बाहर से भी रिलेट करते हैं इनडेट इन को इसलिए मैंने इनडेट के दो मीनिंग या तो बाहर आ जाना या बहुत सारा काम आ जाना इसके दो मीनिंग है बेटा बाहर आ जाना या बहुत ज्यादा काम आ जाना इनडेट

तो पानी आ गया उसके ऊपर यार ये तो बहुत आसान है सर अगला बेटा स्वयंप स्वयंप का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना किसी प्लेस को या चीज को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पानी से कवर, कवर, कवर कर देना स्वयं द बोट वॉज एन एनॉर्मस वे बाहर नहीं यहां लहर आई और वो हो गई स्वयं जैसे डूब जाना जिसको कहते हैं ना पानी में डूब गई स्वयं हो गई पानी में डूब गई स्वयं हो गई तो उसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं भैया मेरे वो यूज कर लेते हैं स्वयं क्या है और मॉइस्चर से और अगले पास हमारे पास हो गया हाँ, वर्ड अब देखते हैं बेटा किसमें है, अब जितने भी वर्ड याद कराए मैंने कहा ये बुक लेनी है बेटा आपको वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू ऑनलाइन अवेलेबल है आप फ्लिपकार्ट एमेजोन जहां से सस्ती पड़े मंगा लीजिए दोनों किताबें पहले ये याद कराऊंगा इसमें ये बाकी चीजें हैं वो याद कराऊंगा अब मेरे बच्चे यहां इसका देखते हैं टेस्ट ठीक है चार पांच चार मिनट का ये टेस्ट होगा आपको क्वेश्चंस करने बताइए क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा है बेस्टियन बेस्टियन का मैंने आपसे क्या पूछा है द वन विच इज सिमिलर सिमिलर मतलब मुझे इसका सिनोनिम बताइए सिनोनिम इसका सिमिलर मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर वन का बेटा सिनोनिम बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर वन सिनोनिम बताइए इसका कौन सा वर्ड है जो मीनिंग दे रहा है मुझे फटाफट इसका सिनोनिम बताइए आपने बोला सर ये रहा। इसका वीकनेस इसका एंटोनिम है बेटा लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है सिनोनिम पेपर में जिस वर्ड का सिनोनिम पूछेगा ना बेटा उस वर्ड का एंटोनिम भी देगा पेपर में जिस वर्ड का सिनोनिम उसका एक एंटोनिम भी देगा जान पूछ के कंफ्यूज करने के लिए लेकिन आज के आप बच्चे बच्चे हैं सिमिलर यू चलो बेटा क्वेश्चन नंबर टू आपसे कैसल कैसिल का आपके लिए पूछा है बेटा एंटोनिम क्या पूछा है बेटा अपोजिट मीनिंग पूछा है इसका एंटोनिम बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू इसका एंटोनिम बताइए मजबूत बनाना मजबूत बनाना सर इसका एंटोनिम यह हुआ

फोर्टिफिकेशन का आपको बताना है सिनोनिम फोर्टिफिकेशन का आपको बताना है सिनोनिम जो इस सेंटेंस में यूज हुआ जैसे वंस इन साइड आई माउंटेड द बेटलमेंट्स एन एक्सप्लोर्ड हिडन ठीक है अपने आगे आगे चीजें लिखी इन चार वर्डों में से इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड यूज हुआ है जो फोर्टिफिकेशन यानी किससे बनाए फोर्ट मतलब सर वही बेटलमेंट्स ये था सर यह इसका क्या बनेगा बेटा सिनोनिम

दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश आउट सिलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन विच कैन सब्सटीट्यूट द ग्रुप दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड जो नहीं मिटा सकते हे भैया क्वेश्चन नंबर चार बेटा मेरे बच्चे जो मिटा सकते हैं वो इरेजिबल है जो नहीं मिटा सकते इनडेलिबल है पगलू बी ऑप्शन बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन नंबर पांच बेटा नोटेबल नोटेबल का आपको क्या बताना है अपोजिट बेटा नोटेबल जो दिमाग में छप गई सर वो मिटेगी नहीं नोटेबल है तो नोटेबल का हमें क्या बताना है बेटा अपोजिट बताना है अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे नोटेबल का अरे उल्टा दे दिया क्या आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट उल्टा दे दिया डेलीबल delible हाँ क्या आएगा भैया delible और बेटा अगर सिनोनिम देखोगे तो रिमार्केबल तो ये दो वर्ड रिलेट कर लिए ना बेटा ये दो वर्ड रिलेट हो रहे हैं ना ठीक है तो एंटोनम और सिनोनिम आपको दोनों के दोनों दिखेंगे पेपर में आपको पहचानना भैया मेरे कौन सा है समझ आई बहुत शानदार बहुत शानदार अगला छह देखो बेटा लास्टिंग मेरे बच्चे लास्टिंग का क्या बताना है सिमिलर जो लास्ट लास्ट लॉन्ग चले लास्टिंग so, का क्या बताना है सिमिलर जो लॉन्ग चलेगा इसका मतलब सर मेमोरेबल ए हुआ चलो भैया मेरे क्वेश्चन सात इंपॉर्टेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन कोई भी ऐसी चीज जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज अटेंशन की जिसको जरूरत है तो वो चीज नोट करने के लायक है तो वो चीज नोटेबल है याद आया नोटेबल क्या होता है बेटा जिस चीज को नोट करना इंपॉर्टेंट होता है डिजर्विंग अटेंशन जिसको अटेंशन देनी होती है वो चीज नोटेबल होती, होती है ठीक है चलो बेटा क्वेश्चन नंबर एट बताओ कहता है बताना है किस में में देखो बेटा ऐसे भी पेपर में पूछी जाती है जब मैं मजाक कर रहा था कि एक्सपेडिशियस होता है हमारे पास एस अब एसबीआई का एंटोनिम बताओ यहां एंटोनिम बेटा एक्सपीडियस होता है जो एकदम क्विक काम करेगा जल्दी काम करेगा लेकिन मुझे इसका बताना है बेटा। अगर आप इसका एंटोनिम बताओगे तो क्या होगा लड्डू रैपिड, रैपिड तो इसका है बेटा। मुझे मेरे लड्डू इसका लड्डूनिम बताना है डिलेटरी क्या होगा मेरे बच्चे डिलेटरी तो यहां क्या आएगा ए ऑप्शन आएगा यहाँ क्या आएगा ए ऑप्शन आएगा बेटा क्वेश्चन बन रहे हैं सभी बच्चों से अरे पुत्र बेटा क्या याद कराया मैंने एक्सपेडिशियस जो जल्दी से काम करे जो डिले से करेगा वो डिलेटरी होगा बात समझ आई बाबू चलो क्वेश्चन नंबर नाइन बताओ बेटा लेजिस्टिमेसी जो लीगल तरीके से चलेगा उसको बोलते हैं बेटा इसका क्या बताना है सिमिलर जो बेटा लीगल तरीके से चलेगा तो कैसे चलेगा वो पीसफुलनेस ना जो लीगल चलेगा वो पीसफुल चाहेगा चीजों को बेटा क्वेश्चन नंबर टेन बेटा इसका एंटोनिम बताओ इसका एंटोनिम बताओ सर इलेक्ट्रिटस का मतलब है इलेक्ट्रिटस इलेक्ट्रिटस एस बी आई जल्दी काम करेगा इसका मतलब जो टाइम को वेस्ट करे जो डिले करेगा वो क्या होगा

स्पेलिंग गलत है की। और बेटा क्वेश्चन नंबर बारह बताओ टू फ्लड एन एरिया विद अगर आ गई मेरे बच्चे उसका वन वर्ड सब बताओ जब पहाड़ आ जाती है तो क्या होता है बेटा सर जब बाहर आती है तो कौन सा नंबर बेटा मेरे बच्चे इन हो जाते ये बारह क्वेश्चन मैंने दिए इसके बाद ये आंसर की इनकी एक आंसर में करेक्शन है वो कर लेना सातवें में थी शायद ये पा सकता पंद्रह से मैंने बारह क्वेश्चन किए हैं क्योंकि मैं वर्ड बढ़ा रहा हूं और आपके टेस्ट कुछ टाइम तक मैं बारह क्वेश्चन कर रहा हूं पंद्रह से अब मेरे बच्चे ये बताओ बारह में से आपके कितने नंबर आए अब ये बताओ बारह में से बाबू कितने नंबर आए यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बेटा पेपर में यही तो आनी है ऐसी ही तो वो कैब आनी है तो पुत्र हर क्लास में आपको वर्ड याद भी कराऊंगा आपका बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट भी लूंगा तो टेस्ट के लिए वो कैब के लिए जी जान लगा देंगे आप भी यूं ही मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिएगा बेटा डेली अब कल शाम को छह बजे क्लास होगी और कल मैं की सुबह डेमो भी लूंगा बेटा कल सुबह मैं डेमो भी लूंगा आपके बैच में और इसे यूट्यूब पर भी एक डेमो क्लास में लाइव करवाऊंगा जो हमारा बैच है ये वाला इंग्लिश स्पेशल बैच कल इसकी डेमो क्लास भी होगी सुबह ग्यारह बजे आप टेंस की डेमो क्योंकि टेंस से नए बच्चे ज्वाइन करेंगे तो वो नई डेमो ग्यारह बजे चलेगी अगर आपके किसी फ्रेंड को बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है मेरे पुत्र ठीक है दूसरी बात बेटा दूसरी बात मैंने कही वॉल्यूम वन और टू आप दोनों मंगा लीजिए और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे बच्चे कोई भी अगर देखो हमारे पास ये फोर्टी सिक्स क्लास थी तो बेटा कोई भी ऐसा बच्चा जो पहली क्लास में आया और इसे समझ में ना आया ऐसा तो नहीं होगा ना क्योंकि कहीं से भी याद करो बेटा वो कैप वहीं से समझ आएगी तो यहां से आप अपना याद करना स्टार्ट कर दो बहानेबाजी से काम नहीं चलेगे बहानेबाजी से काम चलना ही नहीं है बेटा याद करनी पड़ेगी वो कैप और आप मैं बच्चे आपको मैं बता दूँ पेपर में पचास परसेंट ग्रामर पच्चीस से तीस परसेंट वो कैप आएगी बेटा तो पच्चीस से तीस परसेंट नंबर चाहिए भी तो सही इसीलिए खूब जी जान लगा के बेटा मेहनत करो मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं मेरा आशीर्वाद आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके चाहने वालों का आशीर्वाद ठीक है आपके बड़ों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है आपकी दुआएं हमारी दुआएं हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ खुश रहिए आबाद रहिए और नंबर में कोशिश कीजिए जल्द से जल्द बारह में से बारह पे आप अब कल मिलेंगे बेटा कल फिर वो कैब याद कराऊंगा क्लास के बाद आपके वो कैब का टेस्ट लूंगा और ये मेरा वादा है वो कैब का डर मैंने खत्म कर दिया है ठीक है अब आप जी जान लगा के मेहनत करते रहो और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो भी ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा जो नए बच्चे जुड़े अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले दोस्त है ना उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा बैच को शेयर कीजिएगा ठीक है कि वो भी पढ़े अच्छे स्टूडेंट्स के साथ जो सीरियस होकर पढ़ते हैं बेटा क्योंकि मैंने कहा ये यूट्यूब पर फ्री बैच है लेकिन पेड बैच की तरह ही मैं इसे पढ़ाता हूं और उतने ही ध्यान से आप तो ठीक है उतनी ही सीरियस तरीके से उतने ही बेहतर तरीके से आपको समझाता ठीक है खुश रहो 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 बेटा मस्त कल मिलते हैं शाम को छह बजे वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अच्छे दोस्तों के साथ और ठीक है कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा चलो बेटा बाबा